Hello students, I am Subhya Kasim and this is the next topic of your chapter Working with Styles and Objects. So, our today's topic is Working with Shapes. Let's see. The shapes is a drawing feature that helps you to draw different shapes. Shapes एक हमारा drawing feature है जिससे हम different shapes draw कर सकते हैं like stars, banners, कॉल आउट्स कनेक्टर्स एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ दीज शेप्स यू कैन ड्रॉ अटेंशन एंड प्रोवाइड इम्पैक्ट टू योर मैसेज टू इंसर्ट शेप्स फॉलो दीज स्टेप्स नंबर फर्स्ट क्लिक द शेप्स बटन इन द इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है इंसर्ट टैब में जा करके हमको इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप मिलेगा वहाँ से हमको शेप्स बटन पर क्लिक करना है नेक्स्ट द पॉप आउट मेन्यू डिस्प्लेज वेरियस ऑप्शंस लाइक लाइंस बेसिक शेप्स ब्लॉक एरोज फ्लो चार्ट कॉल आउट्स स्टार्स एंड बैनर्स पॉप अप मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर ये देखिए एंड इसमें आपके डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसिंग टेक्स्ट In shapes, you can also use shapes for inserting the text. आप shapes का use text insert करने के लिए भी कर सकते हैं Select a shape of your choice. First of all, आपको क्या करना है अपनी choice का shape select करना है And then drag the selected shape according to your need. एंड उसको ड्रैग करना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि आपको वो शेप कितना बड़ा चाहिए या फिर कितना छोटा चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग ड्रैग कर लेंगे उसको नेक्स्ट नाउ राइट क्लिक द ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द ऐड टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू राइट क्लिक करना है ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर एंड सिलेक्ट द ऐड टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू शॉर्टकट मेन्यू से एड टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है नेक्स्ट द इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स इन द ऑब्जेक्ट जो आपने ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर क्रिएट किया था उसमें आप देखेंगे कि आपका इंसर्शन पॉइंट अपीयर हो गया है नाउ यू कैन टाइप टेक्स्ट अब आप उसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग ड्राइंग टूल्स All the drawing features are present in the shape drop-down menu. सारे drawing के जो features हैं ना वो shape drop-down menu में present हैं आपके Let us use our creativity to make a hut. अब हम एक hut create करते हैं इन सारे shapes का use करके So, number first, select the line tool and draw the outline of hut. Line tool select करना है and outline draw करनी है हट की नेक्स्ट होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड सिलेक्ट द आउटलाइन ऑफ हट शिफ्ट की को होल्ड डाउन करना है प्रेस करे रखना है एंड सिलेक्ट द आउटलाइन ऑफ हट हट की आउटलाइन सिलेक्ट कर लेनी है क्लिक द शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द शेप स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब क्लिक करना है शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट पर जो कि आपको फॉर्मेट टैब में जो शेप स्टाइल ग्रुप है वहाँ पर मिलेगा टू ड्रॉ अ डोर सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल एंड ड्रैग इनसाइड द हट डोर ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है एंड ड्रैग इनसाइड द हट एंड उसको हट के अंदर ड्रैग करना है जितना भी बड़ा आपको डोर चाहिए उतना आप उसको ड्रैग कर देंगे रेक्टेंगल टूल को नेक्स्ट क्लिक द शेप फिल टूल इन द शेप स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब क्लिक करना है शेप फिल टूल पर जो कि आपको मिलेगा शेप स्टाइल ग्रुप में फॉर्मेट टैब की एंड फिल एनी कलर ऑफ योर चॉइस आफ्टर दैट आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं आफ्टर दैट सिलेक्ट द ओवल टूल एंड ड्रॉ अ विंडो इन अ हट ओवल टूल सिलेक्ट करना है टू ड्रॉ विंडो विंडो ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट टू डुप्लीकेट द ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स यू कैन यूज कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपिंग अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी करना है देन यू यूज कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन
एंड उस ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की यूज करेंगे। नेक्स्ट टू मेक क्लाउड्स, क्लाउड्स बनाने के लिए अपनी ड्राइंग में क्लिक द कॉलआउट्स ऑप्शन इन द शेप्स लिस्ट। कॉलआउट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि हमको कहाँ मिलेगा, शेप्स की लिस्ट में, एंड सेलेक्ट क्लाउड कॉलआउट। नाउ ड्रैग द शेप, आफ्टर दैट क्लाउड कॉलआउट सेलेक्ट कर लेंगे एंड जितना भी बड़ा या फिर छोटा हमको क्लाउड चाहिए होगा अपने अकॉर्डिंग उसको ड्रैग कर लेंगे। नेक्स्ट फिल ग्रे कलर इनसाइड इट, उसके अंदर ग्रे कलर फिल कर देना है। टू डिस्प्ले रेन शार्ड, रेन शार्ड डिस्प्ले करने के लिए ड्रॉ अ लाइन, लाइन ड्रॉ करनी है। देन सेलेक्ट द डैशेस ऑप्शन, डैशेस ऑप्शन सेलेक्ट करना है फ्रॉम द शेप आउटलाइन टूल ऑन द फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में आपको शेप आउटलाइन टूल मिलेगा, उसमें आपको डैशेस का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप डैशेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट द स्क्वायर डॉट एंड ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट, आफ्टर दैट स्क्वायर डॉट सेलेक्ट कर लेंगे एंड इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर, टू रिपीट द लाइन्स प्रेस कंट्रोल प्लस सी, अगर आपको लाइन्स रिपीट करनी है देन प्रेस करना है कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है कंट्रोल प्लस वी की हेल्प से। टाइप द टेक्स्ट ब्यूटिफुल हर्ट एंड सेलेक्ट इट, टाइप करना है ब्यूटिफुल हर्ट और उसको सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट चेंज द टेक्स्ट कलर बाय सेलेक्टिंग द फॉन्ट कलर टूल इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। आफ्टर दैट अगर आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है देन आप होम टैब में जाएंगे, वहां पर आपको फॉन्ट ग्रुप मिलेगा एंड फॉन्ट ग्रुप से आप फॉन्ट कलर टूल सेलेक्ट कर लेंगे टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट इज अ गैलरी ऑफ प्री डिजाइंड पिक्चर्स दैट कैन बी इंसर्टेड डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट। क्लिप आर्ट क्या है, गैलरी है प्री डिजाइंड पिक्चर्स की, जो पिक्चर्स पहले से अवेलेबल हैं आपके गैलरी में दैट कैन बी इंसर्टेड डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट, वो आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, प्लेस द कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ पिक्चर, आपको कर्सर प्लेस करना है जहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। नंबर सेकेंड, क्लिक द क्लिप आर्ट बटन इन द इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप मिलेगा, वहाँ से आपको क्लिप आर्ट बटन क्लिक करना है। देन द क्लिप आर्ट टास्क पेन इज डिस्प्लेड ऑन द राइट ऑफ द विंडो, क्लिप आर्ट टास्क पेन डिस्प्ले हो जाएगा आपकी विंडो पर। टाइप द डिजायर्ड कीवर्ड इन द सर्च फॉर टेक्स्ट बॉक्स, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको जिस भी चीज़ की पिक्चर चाहिए वो टेक्स्ट आप टाइप कर देंगे। यहाँ पर हमको कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए, हमने कंप्यूटर टाइप कर दिया एंड गो पर क्लिक कर दिया, प्रेस कर दिया, सो इट विल डिस्प्ले ऑल क्लिप आर्ट इमेज, यहाँ पर आपकी सारी क्लिप आर्ट इमेजेस डिस्प्ले हो गई कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें से आपको जो भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कर देंगे एंड क्लिक द डिजायर्ड क्लिप आर्ट इमेज टू इंसर्ट एंड इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, सो आप देखेंगे कि आपकी इमेज आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग सिंबल्स एंड स्पेशल करेक्टर्स। सिंबल्स एंड स्पेशल करेक्टर्स आर पंचुएशंस, स्पेसिंग और टाइपोग्राफिकल करेक्टर्स दैट आर नॉट जनरली अवेलेबल ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। सिंबल्स एंड स्पेशल करेक्टर्स हमारे क्या है, पंचुएशंस हैं, स्पेसिंग और टाइपोग्राफिकल करेक्टर्स हैं जो कि जनरली हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं होते। हमको अगर स्पेशल करेक्टर्स या फिर सिंबल्स इंसर्ट कराने होते हैं देन हम कहाँ से कराते हैं, सिंबल डायलॉग बॉक्स से हम इंसर्ट कराते हैं। टू इंसर्ट सिंबल्स एंड स्पेशल करेक्टर्स इन अ डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स। नंबर फर्स्ट, प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ सिंबल, कर्सर प्लेस करना है उस पोजीशन पर जहाँ पर आपको सिंबल इंसर्ट कराना है। सेकेंड, क्लिक द सिंबल बटन इन द सिंबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको सिंबल ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप सिंबल बटन पर क्लिक कर देंगे। सर्च द मोर सिंबल्स ऑप्शन एंड वहाँ पर आपके पास सिंबल्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी, अगर आपको और सिंबल्स देखने हैं देन आप मोर सिंबल्स ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
द सिंबल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये आपका सिंबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया आपकी स्क्रीन पर. सिलेक्ट द सिंबल्स टैब इफ़ इट इज़ नॉट सिलेक्टेड, इसमें आपको सिंबल्स टैब सेलेक्ट कर लेना है अगर सेलेक्ट नहीं है पहले से. नेक्स्ट, सिलेक्ट द फॉन्ट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद अपनी चॉइस का फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो फॉन्ट की लिस्ट शो हो रही होगी आपकी स्क्रीन पर वहाँ से आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है. नेक्स्ट, चूज द सिंबल एंड क्लिक द इंसर्ट बटन, सिंबल चूज कर लेना है एंड इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है. क्लिक द क्लोज बटन टू क्लोज द बॉक्स, आफ्टर दैट क्लोज बटन पर क्लोज कर देना है बॉक्स को क्लोज करने के लिए. एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, अप्लाइंग शेडो. यू कैन अप्लाई शेडो इफेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द शेडो एंड सेट इट्स पोजिशन, कलर भी चेंज कर सकते हैं एंड उसकी पोजिशन को भी सेट कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट, ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग शेप्स बटन इन द इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब में इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप मिलेगा, वहाँ से शेप्स बटन सेलेक्ट कर कर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेना है. नेक्स्ट, सेलेक्ट द शेप एंड क्लिक द शेडो इफेक्ट्स बटन इन द शेडो इफेक्ट्स ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब. फॉर्मेट टैब में शेडो इफेक्ट्स ग्रुप में जा कर के आपको शेडो इफेक्ट्स बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है एंड देन वहाँ से शेप सेलेक्ट कर लेना है. यहाँ से ही आपके पास शेप्स वाला ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया, यहाँ से आपको शेप सेलेक्ट कर लेना है एंड शेडो इफेक्ट में जा कर के शेडो सेलेक्ट कर लेना है. शेडो इफेक्ट जो भी आपको चाहिए अपनी इमेज पर, इट विल बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, वो आपके ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा. सो योर चैप्टर 4 वर्किंग विद शेप्स एंड स्टाइल इज कम्प्लीटेड. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल चैप्टर. थैंक यू.